नमस्कार, एवन न्यूज टीवी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मेघा। देखते हैं स्पेशल स्टोरी में क्या है आपके लिए खास। दिल्ली के खाटू श्याम धाम में तीन संस्थाओं की तरफ से वर्ल्ड सनातन बोर्ड, भारत धर्म महामंडल, वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन की तरफ से संयुक्त बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें सनातन धर्म के विस्तार और उसकी समस्याओं के समाधान पर चर्चा हुई। इस बैठक में दतिया के महाराज श्री राहुल देव सिंह, महारानी श्रीमती परिणीता देवी जी, जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया काउंसिल श्री भारत धर्म महामंडल क्षेत्र काशी के प्रोफेसर शंभु उपाध्याय, वाराणसी से आए डॉक्टर अजय सिंह, नेपाल की शंकराचार्य हेमानंद गिरी, खाटू श्याम धाम दिल्ली के प्रधान घनश्याम गुप्ता जावेरी, आचार्य श्री महंत महामंडलेश्वर स्वामी प्रीतम देव तीर्थ बाबा जी, खाटू श्याम धाम ट्रस्टी निधि गुप्ता, सचिन, नवीन गोयल, नवीन गर्ग, सीमा जागरण मंच के विनोद महेश्वरी, बीजेपी मंदिर प्रकोष्ठ के दिनेश सहरावत, वर्ल्ड सनातन बोर्ड के अध्यक्ष जगदीश चंद्र अग्रवाल व अमेरिका से आए अशोक लव, वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन दिल्ली प्रदेश के महासचिव केडिया जी, भारत धर्म महामंडल के अशोक जैन, अनिल जैन, ऋषि गुलशन, रामदेव पंडित, स्टेप टू स्टेप एंटरटेनमेंट के फाउंडर और वर्ल्ड सनातन बोर्ड के मीडिया प्रभारी सागर सिन्हा, एवन न्यूज टीवी के एडिटर इन चीफ वरुणेंद्र कथोरिया, यूएवी फिल्म्स के वीके शर्मा इस बैठक में उपस्थित थे। उन सभी ने श्री खाटू श्याम के दर्शन कर बाबा का आशीर्वाद भी लिया। बैठक चल रही है, ये बैठक तीन संगठनों का है, वर्ल्ड सनातन बोर्ड जिसके अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे राजा साहब हैं, राजा जी राहुल देव सिंह जी, और कार्यकारी अध्यक्ष अपने जगदीश चंद्र अग्रवाल जी, मैं संरक्षक, और बाकी सारे अशोक जी और बाकी सब लोग हमारे पदाधिकारी हैं, और भारत धर्म महामंडल जो कि वाराणसी आधारित संगठन है जिसके प्रतिनिधि के रूप में उपाध्याय जी आए हैं, और ये संगठन को भारत में अन्य जगह कहाँ कहाँ हम बना इसका शाखाएँ ब्रांच बना सकते हैं उस पर विचार करेंगे, और वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन जिसके डॉक्टर अजय सिंह जी हैं, इंटरनेशनल प्रेसिडेंट हैं, वो भी अभी आ रहे हैं, और वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन से जुड़े हुए जो नेपाल के शंकराचार्य शंकराचार्या एक महिला शंकराचार्य इन्होंने बनाया है, एक नई परम्परा हिंदू धर्म में डाली है, अब उस पर धर्माचार्यों का क्या होता है, तो नेपाल में ये तो पांचवे शंकराचार्य हैं, पांचवे नहीं हम अपने हिसाब से जोड़ेंगे तो 66वें 65 के बाद, अब इन पर संतों की क्या प्रतिक्रिया होती है। पहले मैं अपना परिचय दे दूं, मैं प्रोफेसर शंभु उपाध्याय साइकोलॉजी का प्रोफेसर हूं, और 37 साल के बाद 2020 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से मैं सेवानिवृत्त। संस्था श्री भारत धर्म महामंडल, भारत धर्म महामंडल की स्थापना 1901 में पूरे अखंड भारत के जितने हिंदू राजा महाराजा थे सारे लोगों ने मिल कर के कहा कि हम सनातन धर्म के लिए एक संस्था बनाते हैं, और सनातन परंपरा ऐसा वो जो है वो भारत धर्म है, ओंकार परिवार भी उसको कहते हैं, भारत धर्म जिसकी मातृभूमि पितृभूमि पुण्यभूमि वो भारत में हो, मक्का मदीना बाहर है, जेरूसलम बाहर है, पर जैनों के सारे
तीर्थ हमारे हिंदुस्तान में हैं और कई कई तो हमारे उनके एक ही जगह हैं। मैं हेमानंद गिरी हूँ, प्रथम महिला जगत गुरु शंकराचार्य नेपाल, जूना अखाड़ा महामंडलेश्वर। मैं पहली बार इस पावन धरा पर, पावन तीर्थ पर आई हूँ। ये दिव्य तीर्थ है, पृथ्वी के स्वर्ग के रूप में मुझे अनुभूति हुआ है। तो स्वयं भगवान खाटू श्याम ने मुझे यहाँ बुलाए और ये इतना बड़ा अवसर आप सबको दर्शन करने का, राजा साहब को, आप सबको, महाराज जी प्रत्यक्ष तीर्थ हैं। और कितना इन्होंने काम किया है, कितनी पुस्तकें लिखी हैं, तो वो सब आपके सामने बताइए। मैं माननीय जी के संज्ञान में लाना चाहूँगा, हमारे महाराज जी ने ऐसा सोचा है कि ये जो वर्ल्ड सनातन बोर्ड है, ये जो हमारे भारत में जो हमारे धर्म स्थल थे कभी बड़े उन्नत और विशाल, जो अब लुप्त हो गए हैं, वो दोबारा से उनको हम जागृत करें, सबके संज्ञान में लाएं। पर्यावरण के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षों को लगाएं। आदरणीय हमारे स्वामी जी महाराज, जिनके नेतृत्व में आज हम सब लोग यहाँ पे विराजमान हैं, और जितने भी लोग हमारे भी हमारे साथी यहाँ सब लोग एकत्रित हुए हैं, उन सब की तरफ से मैं आप लोगों को अवगत कराता हूँ कि आगामी भविष्य में दिसंबर के महीने में 15 तारीख इस दौरान दतिया मध्य प्रदेश में एक धर्म का विशाल सम्मेलन किया जाएगा, जिसमें ज्योतिष एवं NRI सम्मेलन, जिसमें जो हमारे देश के धर्म को मानने वाले, धर्म में आस्था रखने वाले लोग विदेशों में बैठे हुए हैं और उनका मन लालाहित होता है कि धर्म क्या है, क्योंकि वहाँ वो जानकारी, वो शिक्षा प्राप्त शायद नहीं कर पाते हैं, और जब हिंदुस्तान आते हैं तो ऐसा स्वामी जी महाराज का आदेश हुआ था कि ऐसा उन्हें एक स्थान दिया जाए जहाँ पे वो आकर अपने बच्चों को, अपनी संस्कृति, पुनः उनके बच्चे अपनी संस्कृति से जुड़ सकें। आप दुनिया में जाएँ, दुनिया भर के ऐश और आराम हो करें, ठीक है, लेकिन अपनी मातृभूमि से और अपनी संस्कृति से जुड़े रहेंगे तो जीवन में आपको दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा, ये आध्यात्म हमें बताता है। भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु यदि हिंदुस्तान में यदि कोई है, साक्षात प्रैक्टिकल बता रहा हूँ आपको, वो खाटू श्याम दिल्ली धाम है। हमारा विषय है कि जो काठमांडू को हम लोग पांचवा धाम घोषित करें, और पांचवा धाम वो है भी हमारा। इस स्टोरी में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहे वन न्यूज़ TV। नमस्कार।